तो है फ्रेंड्स, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू डेज ब्लॉग। टुडे 25 जनवरी 2020। अभी हम स्कूल जा रहे हैं और चल के नहीं जा रहे थे। हमारे स्कूल पे एक फंक्शन है तो वहाँ का जो पार्किंग है उसमें फंक्शन है, तो हमारा पार्किंग जो है सामने वाली स्कूल में शिफ्ट किया गया है। तो हम दोनों ने पार्किंग की हमारी साइकिल और चल कर जा रहे हैं। हमारे स्कूल पर लगभग आधा किलोमीटर होगा, तो अभी चल कर जा रहे हैं। और ये है बेसिकली मेरा फ्रेंड धार्मिक, मतलब ये भी 11 में, मैं भी 11 में हूँ, तो हम दोनों एक बैचमेट्स हैं। तो कोई नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं पता है क्या होने वाला है, लेकिन आज दो झमेले हैं जो मुझे आपको समझाने हैं बेसिकली, जिससे पिछला व्लॉग जो था वो डिले हुआ है। तो वो मैं आपको सब कुछ बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी 3 लेक्चर पढ़ाई करनी है। और तू कब पढ़ाई करेगा? तू करता है? हाँ, मतलब फॉर्मेलिटी होती है थोड़ी थोड़ी, मुझे याद भरोसा है कोई तू नहीं करेगा। हाँ, इसको मुझ पर भरोसा है कि मैं पढ़ाई नहीं करने वाला हूँ, लेकिन कोई नहीं, तुझ पर भी भरोसा है कि तू नहीं पढ़ाई करेगा। हाँ है तो सही, पर मैं बोल नहीं सकता ना अभी कैमरे के सामने। एनीवेज, तो अभी 3 लेक्चर पढ़ाई करनी है, उसके बाद जो कुछ भी होगा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन मुझे भी अभी नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन जो कुछ भी है बहुत घोटाले वाला झमेला है, गोलमाल है, सब कुछ बाद में बताऊंगा। और देखते रहिए। तो यार अभी मैं आ चुका हूँ स्कूल से घर पर, और जो झमेला है वो मैं आपको कह देता हूँ कि जो दूसरा काम है वो है मेरी रेंज का आज ओपनिंग है, मेरी राइफल शूटिंग की न्यू रेंज का। तो उसके लिए मुझे आज जाना है, तो मुझे स्कूल से जल्दी निकलना होगा। तो मैंने सोचा ही था कि जल्दी निकल जाऊँगा, मैंने बोला था। तो और एक काम था मुझे पहला वाला, वो था कि हमारे स्कूल में CM आ रहे थे, तो वो फंक्शन भी वहाँ पर था, तो दोनों में से मुझे कोई भी एक अटेंड करना था, और मुझे टाइमिंग का कुछ भी करके सेटिंग करना था। तो मैंने सोचा कि चलिए अभी कुछ भी हो जाए, दोनों में से एक में तो जाना ही होगा, दोनों में तो मैं पार्ट नहीं ले सकता हूँ। तो आखिरकार ऐसा ही हुआ, दोनों का टाइमिंग एक ही हुआ और मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। घर आ गया हूँ, मैंने कुछ खाना खा लिया है, अभी मैं जा रहा हूँ सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी पर, वहाँ पर ब्रेंच की ओपनिंग है, और वहाँ पर भी शायद हमारे गुजरात के चीफ मिनिस्टर श्री विजय रूपाणी आ रहे हैं। तो देखते आगे क्या होता है, क्योंकि अगर वहाँ पर वो आ रहे हैं, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन अगर वो आ रहे हैं तो मैं अपनी रिकॉर्डिंग शायद ही कर पाऊँगा, शायद नहीं कर पाऊँगा, पता नहीं क्या चल रहा है वहाँ पर। और वहाँ पर जो अलग फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर्स हो गए वो करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे क्या करना है मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे सिर्फ इतना बोला गया है कि ओपनिंग में मुझे डेमोन्स्ट्रेट करना है, और मुझे सिर्फ फायरिंग वगैरह कुछ करना है अगर वो आए तो, और शायद उसे फायरिंग करनी है तो मुझे सिखानी होगी। तो देखते आगे क्या होता है, सब कुछ देखा जाएगा, क्योंकि मुझे अभी कुछ नहीं पता है। तो देखते चलिए अभी तो निकलते हैं। तो अभी हुआ था ये कि जो हमारी रेंज है उसके अंदर एक स्टोर रूम है जहाँ पर हमारे वेपन पड़े थे, तो उसकी चाबी जो थी वो सर के पास थी, और सर घर पर भूल गए थे, तो मैं सर के घर पर आया, वो चाबी मैंने अभी ले ली है, और अभी मैं जा रहा हूँ वापस से रेंज पर। अच्छा हुआ कि मैं जल्दी आ गया, तो ये सब कुछ याद आ गया, तो अभी चाबी ले ली है और जा रहे हैं वापस, वरना तो अगर लेट आता तो और भी लेट हो जाता, और अगर चीफ गेस्ट आ जाते तो समझो काम हमारा हो जाता। एनीवेज, बच गए तो अच्छा है। तो गाइस, दो बैड न्यूज़ है अभी मेरे पास। एक तो आपको पता ही थी कि मुझे रिकॉर्डिंग का कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर चीफ गेस्ट आने वाले थे CM रूपाणी, तो वही हुआ। एनीवेज, वो तो हुआ, पर प्लस में एक और बैड न्यूज़ है, और दूसरी है कि आज हमारे ओपनिंग में भी चीफ गेस्ट आए ही नहीं। तो यही हुआ, जो हमारे गुजरात के CM थे वो नहीं आए, तो ऐसे ही हमने ओपनिंग कर दी। हमारे सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के कुछ वाइस चांसलर और वो वगैरह थे गेस्ट, तो वैसे ही चल गया कुछ भी कैसे भी करके, लेकिन रिकॉर्डिंग वहाँ पर नहीं हुआ, तो सोचा उतना लंबा व्लॉग नहीं हुआ है, लेकिन हुआ है। तो और इस व्लॉग में ऐड करने के लिए मैं, मम्मी और पापा, हम तीनों जा रहे हैं अभी, एक वेपन एग्जीबिशन है राजकोट में, वहाँ पर जाएंगे, अगर टाइम रहा तो फ्लावर शो भी है वहाँ पर जाएंगे, और कल मतलब 26th को राजकोट में स्टेट लेवल का फ्लैग होस्टिंग है, तो बहुत सारी तैयारी की गई है राजकोट में, तो देखेंगे कि वो क्या है क्या नहीं। बाकी का कुछ भी प्लानिंग नहीं है, बाहर खाना खा के आ जाएंगे वापस से, इतना सा कुछ सोचा है, लेकिन आगे क्या होगा क्या नहीं कुछ नहीं पता है, तो देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। लेकिन मुझे इतना पता है कि शायद मैं जहाँ पर वेपन एग्जीबिशन में जा रहा हूँ वहाँ पर शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकता है रिकॉर्डिंग का, क्योंकि कुछ वेपन ऐसे भी हो सकते हैं जिसका मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता हूँ और यूट्यूब पर नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल भी हो सकते हैं, मुझे कुछ नहीं पता है, ऐसा हो सकता है, देखते हैं अभी।
कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? सातवीं कक्षा में। कहाँ पर पढ़ते हो? 56 में। तो अभी मैं आ चुका हूँ ऐसी जगह पर जहाँ पर स्पीकर्स नहीं है तो मैं कुछ बोल पाऊँगा, वरना रेस कोर्स में तो ऐसी जगह थी कि जहाँ हर 100 फीट पर स्पीकर्स थे और जो कि अपने पूरे वॉल्यूम के साथ बज रहे थे अपना लाउड म्यूजिक। तो वहाँ पर आप कैसी भी कोई भी माइक ले आए, कुछ भी करें, आपका आवाज़ आएगा ही नहीं। तो ऐसी जगह पर अभी आना मतलब दिमाग को बहुत शांति मिलती है। एनीवेज तो अभी मैं हूँ कोई हैंडमेड मेले में जहाँ पर सब कुछ जो हाथ से बना होता है, अलग अलग चीज़ें हर कहीं में भारत में जो कुछ भी बनता है वो सारा इकट्ठा होते हैं वो लोग, और यहाँ पर एग्जीबिशन होता है। तो ये एक ऐसा मैप है जहाँ पर आपको सब कुछ पता चलेगा कौन से सिटी में कौन सी हैंडमेड चीज़ें जो है वो फेमस होती है। तो बेसिकली यहाँ पर कपड़ा बन रहा है, यहाँ पर बहुत सारे धागे हैं और यहाँ से लेकर ये पूरा मशीन है जहाँ से धागे बनते हैं, जो आपने अभी देखा वो ये सर कर रहे हैं। अब पिछले कितने साल से ये बना रहे हैं? 22 साल से बना रहे हैं। जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। अब तो वहाँ पर कहीं मम्मी और पापा कर रहे हैं कुछ शॉपिंग वगैरह कुछ, जिसमें मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पर आकर बैठा हूँ क्योंकि अभी मेरे पैरों का तो जो हाल हुआ है पूछो ही मत। एनीवेज तो अभी आपने जो देखा, मैंने एक वो बोल रहे हैं पीछे से अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली वो मशीन ऐसा था कि जिसमें धागे में से पूरा कपड़ा बनता है, तो वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क होता है। मतलब वो एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे और अच्छे से रिकॉर्डिंग करने दे। एनीवेज तो वो काम ऐसा होता है कपड़ा बनाने का कि उसमें एक कपड़ा बनाने के लिए उसे 2-4 दिन ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो वैसे ही उसकी जितनी मेहनत लगती है उतना हार्डवर्क के हिसाब से वो लोग पैसा भी लेते हैं। हाँ वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन ऐसा वर्क मतलब आपको देखने में जो बहुत सिंपल लगता है वो बनाने में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगता है। और मैंने आज तक कभी इतना ब्यूटीफुल वर्क नहीं देखा है। बेसिकली ऐसी शॉल देखी होती है हमने, लेकिन ये जो शॉल होती है उसके पीछे वो लोग कितना हार्डवर्क करते हो या ब्रिलियंट वर्क। अभी ये मेला बंद होने में सिर्फ 15 मिनट की देरी है, तो सभी गार्ड्स सभी को बाहर निकल रहे हैं। तो मैं अभी क्या करूँगा, जो कोई भी स्टॉल्स है वो मैं जल्दी से घूम लूँगा, और उसके बाद बीच में जो कुछ अच्छी अच्छी जगह है जहाँ पर सिनेमेटिक व्यूज़ अच्छे से आएंगे तो वो जल्दी से लेकर निकलते हैं, और उसके बाद शायद कहीं पर जाना है, वरना हम अभी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं तो घर जाएंगे और सो जाएंगे। देखते हैं अभी क्या होता है क्योंकि लेट हो गया ज़्यादा। बेसिकली यहाँ पर एक सीटिंग अरेंजमेंट है और पीछे एक स्क्रीन है जहाँ पर दिखाया जा रहा होता है कि जो गुजरात में जो कोई भी हैंडवर्क होता है वो कैसे होता है, क्या होता है, उसका जो हिस्ट्री होता है वो क्या होता है, सब कुछ उसके बारे में बता रहे हैं, डिटेल दे रहे हैं। तो मुझे मज़ा आ रहा है, तो मैं उसमें सुन रहा हूँ।